बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड लगभग भरने की कगार पर पहुंच गए हैं। नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना को डिस्चार्ज जो मरीज हैं उनको डिस्चार्ज होने में अभी वक्त लग रहा है, और ऐसे में रायपुर के इंडोर स्टेडियम और सुभाष स्टेडियम में अस्थायी अस्पताल बनकर तैयार है। इंडोर स्टेडियम में 150 बिस्तरों की और सुभाष स्टेडियम में 70 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद से मरीजों की संख्या में और भी इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। इंडोर स्टेडियम में करीब 15 से अधिक मरीजों को भर्ती किया जा चुका है, जहां सुरक्षा व्यवस्थाएं भी पर्याप्त नजर आ रही हैं। राजधानी रायपुर को कोविड-19 का अस्थायी अस्पताल बनाया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलाज की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं कि कर्मचारी किस तरीके से यहाँ पर पीपीई किट पहनकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बिना अनुमति प्रवेश वर्जित, अर्थात किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाएगा। जो यहाँ पर जाने के लिए जिनको अनुमति मिली है, सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि ये कोविड-19 का अस्पताल है तो संक्रमण का खतरा भी जो है वो लगातार बना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर जो सड़कों पर ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया गया, और इस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो की जा रही है। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।